हमारे साथ हमारे संवाददाता मुस्तफा जुड़ रहे हैं। मुस्तफा, क्षणिक राहत जो है वो तो नहीं मिली है, 29 तारीख को ये कहा गया है कि दोबारा से सुनवाई की जाएगी। जरा बताइए कोर्ट की हियरिंग में क्या कुछ देखने को मिला, क्या क्या बड़ी बातें रही जिन पर सेशन कोर्ट में चर्चा हुई? बिल्कुल, तकनीकी मामला जो है वो ऐसा बनता है कि 124A जो सेक्शन है आईपीसी का, वो राणा दामपंती पर लगाया गया है। लेकिन उनके वकील रिजवान मर्चेंट ने पहले ही जब दिन उनकी रिमांड हुई थी तब मैजिस्ट्रेट कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल की थी, लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट जो है ये नहीं सुन सकता 124A का ऑफेंस, इसलिए सेशन कोर्ट में फिर बेल एप्लीकेशन फाइल की गई। आज जब बेल एप्लीकेशन फाइल हुई तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है प्रदीप भरत, उन्होंने ये कहा के उन्हें टाइम चाहिए अपना रिप्लाई फाइल करने के लिए, और सेशंस कोर्ट ने भी ये कहा कि अभी तक उन्होंने मामला सुना नहीं है, पहली बार उनके सामने मामला आ रहा है, इसलिए उनको एफआईआर पढ़कर ये पूरी जो जानकारी है वो हासिल करना जरूरी है, और इसीलिए अब जो है ये पूरा मामला जो है इसकी सुनवाई जो है वो 29 तारीख तक टली है। 29 तारीख के बाद ही जो है आप कह सकते हैं कि ये पूरे मामले पर जो बेल है उस पर सुनवाई की जाएगी। तब तक राणा दामपत्ति को जो है जेल में ही रहना पड़ेगा। कल आपको बता दें कि हाईकोर्ट उन्होंने एफआईआर क्वेश्चनिंग के लिए मूव किया था, लेकिन हाईकोर्ट में भी उनको राहत नहीं मिली है, और हाईकोर्ट से भी उनको यही कहा गया है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के बावजूद जो कदम उठाए गए वो ठीक नहीं थे। तो ये जानकारी एक तस्वीर और आ रही है जहां पर हमें किरीट सोमैया नजर आ रहे हैं, उन पर भी हमला हुआ था जहां पर रेलवे स्टेशन में आप, तो जरा बताइए किरीट सोमैया वाले मामले क्या अपडेट है, क्योंकि हमें वो भी तस्वीरों में इस वक्त नजर आ रहे हैं आज तक पर। बिल्कुल, किरीट सोमैया जो है वो अभी अभी थार पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। कल किरीट सोमैया पर हमले करने के आरोप में चार लोगों को, सैनिकों को अरेस्ट किया गया था, जो शिवसेना वर्कर हैं, एक एक्स मेयर भी है विश्वनाथ महाडेश्वर, उन लोगों को अरेस्ट कर टेबल बेल दी गई, क्योंकि किरीट सोमैया जब राणा दामपत्ति अरेस्ट हुए थे उस दिन रात को उनसे मिलने के लिए खार पुलिस स्टेशन आए थे, और खार पुलिस स्टेशन आने के बाद उन पर हमला किया गया था, ऐसी कंप्लेंट दर्ज हुई थी। लेकिन किरीट सोमैया ने कल इस बात को जाहिर किया है कि ऐसी कोई एफआईआर उन्होंने फाइल की ही नहीं, इसलिए उनके नाम पे झूठी एफआईआर की गई है, उनको झूठी एफआईआर में कंप्लेनेंट बनाया गया है। इसलिए बैंड्रा पुलिस स्टेशन के जिस अफसर ने वो एफआईआर दाखिल की थी, उस अफसर के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए किरीट सोमैया इस वक्त खार पुलिस स्टेशन पहुंचे हुए हैं कि उनके नाम पर उनको कंप्लेंट बनाकर एक फेक एफआईआर दर्ज की गई।